अगर सर्दियों में आपको पराठे खाने बहुत पसंद है तो आज मैं आप लोगों के साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो थोड़ी अलग तरीके से शेयर करूंगी और बिल्कुल लोडेड पराठा बनाऊंगी। और ये पराठे मैं दो तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, एक पराठा तो मैं ऐसे शेयर करूंगी, आप देख सकते हो ये बिल्कुल मूली से लोडेड पराठा है। और बस इसके साथ कुछ नहीं चाहिए, अचार चाहिए और एक कप चाय चाहिए और हमारा परफेक्ट ब्रेकफास्ट या लंच बनके तैयार हो जाएगा। बेसन मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल के गर्म किया हुआ है। अब मैं इसमें ये जीरा है और धनिया है, धनिया को मैंने कूट लिया है मोटा मोटा सा और वो डाल के हल्का सा रोस्ट करूंगी। इसमें यहाँ पे जीरा और धनिया में खुशबू आने लगी। अब मैं इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इसको मैंने बारीक काट रखा है और इनको हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस इनका कच्चापन निकालेंगे। यहाँ पे इन मसालों में भी हल्का सा कलर आने लगा है। अब मैं इसमें जो मैंने मूली ग्रेट की हुई थी वो मैं डालूंगी। और ये मैंने मूली दो तरीके से ग्रेट की हुई है, एक थोड़ी मोटी है और एक बिल्कुल बारीक है। मोटी इसलिए रखी है कि मूली खाने में थोड़ा चंकता आएगा और बारीक इसलिए किया कि वो घुल मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, तो टेस्ट दोनों का बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मूली को मिला करके और इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। ढकूंगी मैं इसलिए कि जो मूली का पानी रहेगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा, तो हमारी जो फिलिंग वो बिल्कुल ड्राई बनेगी और बनकर अच्छी तरीके से तैयार होगी, इसलिए इसको ढक के इसका सारा पानी निकालेंगे। जब तक मेरी मूली तैयार होगी मैं यहाँ आटा लगा लूंगी। ये मैंने एक बड़ा कटोरी आटा लिया हुआ है और नॉर्मल कटोरी से 3 कटोरी है और बिल्कुल नॉर्मल सा डो लगाएंगे, जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं वैसा मुलायम सा एक डो लगा के तैयार करेंगे। ये मेरा बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो न बहुत ज्यादा हार्ड है न बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मीडियम साइज का, मीडियम हिसाब का ही मैंने आटा लगाया हुआ है। और इसको मैं 25 मिनट से आधे घंटे तक के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि पराठों का आटा, जो भरवा पराठे बनाते हैं उनका आटा जितना ही रेस्ट करता है उतने ही पराठे हमारे अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने लिया हुआ भुना जीरा पाउडर है, काला नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। और ये सारे मसाले आधे आधे चम्मच हैं, 1/2 टीस्पून है सारे मसाले। और मसालों को थोड़ा तेज रखेंगे क्योंकि इसमें बेसन भी डालेंगे तो थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखेंगे, बेसन डालने के बाद बैलेंस हो जाएगा सारा। मसाले मैंने अच्छी तरीके से मिला लिए। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में। इनको भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मेरी मूली तैयार होने वाली है। अब मैं इसमें बेसन डालूंगी, ये 2 बड़ा चम्मच बेसन है, और इसको हम अच्छी तरीके से डाल के और भूनेंगे हल्का सा इनमें मसालों के साथ। और यहीं पे मैं इसमें हरा धनिया भी डालूंगी क्योंकि जो धनिया का पानी होगा वो भी निकल जाएगा और अच्छी तरीके से धनिया भी इन सबके साथ घुल मिलकर अच्छी तरीके से भून जाएगी। चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है इसमें। अब मैं इनको हाई टू मीडियम फ्लेम करके अच्छी तरीके से मूली का पूरा पानी सुखाऊंगी और फिर इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भून के तैयार हो गया है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल कर बिल्कुल ठंडा हो दूंगी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम पराठे बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा रोटी के साइज का डो लिया हुआ है। मैं इस पराठे को थोड़े अलग तरीके से बना के आपको दिखाऊंगी। जिनको बिल्कुल भरा हुआ लोडेड पराठा पसंद आता है उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। और इनको मैं रोटी के साइज का बेल लूंगी। ये मैंने सेम साइज की 2 रोटियां बनानी है, ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, बीच की रोटी बनाई है मैंने। और इसको हम एक रोटी को रखेंगे नीचे। इसके ऊपर मैंने हल्का सा सूखा आटा डाला हुआ है। अब जो हमारा ये मिश्रण है ये मैं अच्छी तरीके से इस पर फैलाऊंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आपको बिल्कुल लोडेड पराठा पसंद है तो आप उस हिसाब से अपना मिश्रण भर सकते हो, जैसे मैं अच्छी तरीके से भरूंगी इसमें। हाथ से अपना अच्छी तरीके से पूरा एकदम किनारों तक अच्छी तरीके से इसको भर देंगे। हर तरफ मैंने अच्छी तरीके से मसाले को डाल लिया है, ऊपर से फिर थोड़ा सा सूखा आटा। और ये बिल्कुल होम स्टाइल का पराठा, ये ना कहीं आपको ढाबे में मिलेगा ना कहीं रेस्टोरेंट में ना किसी होटल में। इसको अच्छी तरीके से हम सील करेंगे। सील बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको इसको फ्राई नहीं करना है, हम इसको सेकेंगे तवे पे। अब हम इसको मैंने हाथों की सहायता से ऐसे थापेंगे, गांव की भाषा में हम इसको थापेंगे इसको इस तरीके से। और ये पैन गरम कर रखा है मैंने, पहले से तवा गरम कर रखा है और इस पे डाल देंगे। एक पराठा मैं आपको नॉर्मल तरीके से भी भर के दिखाऊंगी। बड़ा पेड़ा लिया था और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल किनारों से पतला कर लिया है और बीच में मोटा रखा हुआ है। और इसमें हम मिश्रण भरेंगे अपना, आपको जितना पसंद आता है उस हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। मैंने 1 चम्मच भर के डाला है और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके। सूखा आटा हम इसलिए डालते हैं कि अगर हम इसको बेलेंगे तो ये फटेगा नहीं और अच्छी तरीके से इसको सील करेंगे। मैंने सूखा आटा लगा लिया है और इसको हम हाथों से
किनारों किनारों से इसको पतला करते जाएंगे हल्का हाथों से प्रेस करते हुए, और हल्के से इसको हम हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे। इस पराठे को मैं पलट दूंगी, एक तरफ से ये हो चुका है, आप देख सकते हो एक तरफ से कलर आ गया, दूसरी तरफ से भी कलर आने देंगे, फिर हम इसको घी लगा के सेकेंगे अच्छे तरीके से। इसमें मैं घी डालते हुए, आप घी बटर कुछ भी लगा सकते हो, नहीं तो ये ऐसे भी सेक के खाने में बहुत अच्छा लगता है रोटी की तरीके से। पलटेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से घी लगा के, और बिल्कुल करारा पराठा सेकेंगे हम। ये मेरा बिल्कुल करारा पराठा बन के तैयार हो गया, और जो मैंने ये वाला बनाया था दूसरा वाला पराठा जो आपको बना के दिखाया था, ये भी मेरा बिल्कुल परफेक्ट पराठा बन के तैयार हुआ, कहीं से ये पराठा फटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको भी सेकती हूँ। मेरा दूसरा वाला पराठा भी बिल्कुल फूल के गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूला हुआ पराठा बन के तैयार हो गया मूली का, आप देख सकते हो, और बहुत ही मजेदार पराठा बन के तैयार होता है। ये मेरे बिल्कुल मजेदार से चटपटे से गर्मा गर्म पराठे बन के तैयार हो गए। अगर आप लोग को ये मेरी पराठों की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।